हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। यह कंफ्यूजिंग वर्ल्ड्स की जो सीरीज चलाई जा रही हैं, यह आज उसका पार्ट 5 है। इस वीडियो में हम लोग ई से स्टार्ट होने वाले जितने भी आपके इम्पोर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, आज हम इस वीडियो में उसको कवर करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपका है 41 दिया हुआ है ईगोटिस्ट, और एक है ईगोइस्ट। तो इन दोनों के बीच को अंतर को आइए समझते हैं। तो जो ये आपको दिया हुआ है ईगोटिस्ट, इसका मतलब होता है अहंकारी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ कंसीटेड। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आदत हो बात करने की बहुत ज़्यादा अपने बारे में, मतलब कि जो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता हो, उसकी आदत हो जो बहुत ज़्यादा बोले, उसे बोलते हैं ईगोटिस्ट। आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है ही इज़ एन ईगोटिस्ट, आई डोंट लाइक टू टॉक विथ हिम। वह एक अहंकारी है, मुझे पसंद नहीं है उससे बात करना। इसी तरफ आपका जो दूसरा है इसी में का ईगोइस्ट, यहाँ पे स्पेलिंग में अंतर, यहाँ पे टी था, यहाँ पे टी नहीं है। तो जो ये ईगोइस्ट है, इसका मतलब होता है स्वार्थी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सेल्फिश। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट में विश्वास करता हो, उसको कहते हैं हम लोग ईगोइस्ट। आइए एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो आपका सेंटेंस दिया हुआ है ही इज़ एन ईगोइस्ट, वी कैन नॉट होप एनी सेक्रीफाइस फॉर फ्रॉम हिम। मतलब कि वह एक स्वार्थी है, हम उससे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कुर्बानी देगा। आशा है कि आप इन दोनों के बीच का जो अंतर हैं वो समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका 42 दिया हुआ है एलिजिबल, एक है ई एल आई जी आई बी एल ई, दूसरा इसी में का आई डबल एल ई जी आई बी एल ई। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, यही समझते हैं। तो जो ये आपका एलिजिबल होता है, इसका मतलब होता है योग्य, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वालिफाइड। आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम समझते हैं। तो सेंटेंस है आपका श्याम इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरशिप। मतलब कि श्याम जो है योग्य नहीं है लेक्चरशिप की पोस्ट के लिए। तो इसी तरफ जो आपका आई वाला एलिजिबल है, जो आई से स्टार्ट है, उसका मतलब होता है अस्पष्ट, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं विच कैन नॉट बी रीड। आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो आपका सेंटेंस दिया हुआ है हर राइटिंग इज़ इलिजिबल, आई कैन नॉट रीड इट। मतलब कि उसकी राइटिंग जो है अस्पष्ट है, जिसको मतलब पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए वो कह रहा है कि मैं नहीं पढ़ सकती इसको। तो समझ गए होंगे आप इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। आपका 43 दिया हुआ है इलिसिट, एक है ई एल आई सी आई टी, दूसरा है आई डबल एल आई सी आई टी। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, आइए समझते हैं। तो जो ये आपका इलिसिट दिया हुआ है, इसका मतलब होता है प्रश्नोत्तर द्वारा निकला निष्कर्ष, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं आउटकम ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर। आइए एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो आपका सेंटेंस दिया हुआ है टेल मी द इलिसिट ऑफ द डिस्कशन, मतलब कि मुझे बताओ जो डिस्कशन के द्वारा निकला निष्कर्ष है उसे बताओ। इसी तरफ आपका जो दूसरा इलिसिट दिया हुआ है आई डबल एल आई सी आई टी, इसका मतलब होता है अवैध, जिसे हम गैर कानूनी भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं अनलॉफुल। आइए एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो आपका सेंटेंस दिया हुआ है डोंट इंगेज योर सेल्फ इन इलिसिट वर्क, मतलब कि अपने आप को गैर कानूनी काम में शामिल ना करें। तो आशा है कि आप इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो 44 दिया हुआ है वो है इमिनेंट, एक है आपका इमिनेंट ई एम आई एन ई एन टी, दूसरा है इमिनेंट आई डबल एम आई एन ई एन टी।
तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, आइए समझते हैं। तो जो ये वाला आपका इमिनेंट है, इसका मतलब होता है प्रमुख या सुप्रसिद्ध, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोमिनेंट। आइए एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, ही वॉज एन इमिनेंट स्कॉलर ऑफ फिलॉसफी। वह एक सुप्रसिद्ध पंडित है फिलॉसफी का। स्कॉलर मतलब होता है पंडित या विद्वान। तो आइए इसी में का जो दूसरा दिया हुआ है इमिनेंट, उसका मतलब होता है शीघ्र होने वाला, जिसे हम तुरंत भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं अबाउट टू हैपन। आइए इसे भी एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, द स्टॉर्म इज़ इमिनेंट। जो तूफान है वो शीघ्र होने वाला ही है। तो आप समझ गए होंगे दोनों के बीच का अंतर क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका 45 दिया हुआ है इरप्शन। एक है erupition, दूसरा है irruption। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, आइए समझते हैं। जो ये आपका इरप्शन है, इसका मतलब होता है विस्फोट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बर्स्टिंग आउट। आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ है, देयर वॉज एन इरप्शन ऑफ वेलकैनो नियर गुजरात बॉर्डर। मतलब कि वहाँ एक विस्फोट है वेलकैनो का गुजरात बॉर्डर के पास। और जो इसी में का आपका दूसरा इरप्शन दिया हुआ है irruption वाला, इसका मतलब होता है आक्रमण, जैसे कि आप देख सकते हैं आक्रमण। इसे इंग्लिश में कहते हैं इन्वेसन। क्या कहते हैं, इन्वेसन। अगर हम इरप्शन की सिमिलर मीनिंग की बात करें तो हम इसे इन्वेसन कह सकते हैं। आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझें। तो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, द इरप्शन ऑफ मुगल्स डिस्ट्रॉयड द ग्लोरी ऑफ राजपूत एम्पायर। मतलब कि जो मुगल का आक्रमण था ना, जो मुगलों ने आक्रमण किया, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया राजपूत साम्राज्य की महिमा को। तो समझ गए होंगे आप इन दोनों के बीच का अंतर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका 46 दिया हुआ है, एक है emerge इमर्ज, इसी में का दूसरा है इमर्ज irse। इन दोनों के बीच का ये अंतर समझते हैं। तो आपका जो ये इमर्ज है, इसका मतलब होता है उभरना, जिसे हम प्रकट होना भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं टू कम आउट। आइए एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, ही इमर्ज्ड सक्सेसफुली आउट ऑफ द मिसरेबल सरकमस्टांसेस। वह जो है सक्सेसफुली पूरी तरीके से उभर गया है जो उसकी कष्टदायी परिस्थिति थी उससे। तो इसी में का जो आपका जो दूसरा दिया हुआ है irse, इसका मतलब होता है डुबाना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टू प्लंज इन टू। आइए एक सेंटेंस के माध्यम समझें। तो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज़ इमर्ज्ड इन मिथोलॉजिकल थॉट्स। वह जो है डूबा हुआ है पौराणिक विचार। मिथोलॉजिकल मतलब होता है दोस्तों पौराणिक, या फिर आप इसे कह सकते हैं ऐतिहासिक। वह डूबा हुआ है एक ऐतिहासिक विचार पर। तो आशा है कि आप इन दोनों के बीच का अंतर समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपको 47 दिया हुआ है, eludeelude, एक है alludeelude। तो जो ये आपका elude, इसका मतलब होता है बचना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टू एस्केप फ्रॉम। आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम समझें। तो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, ही एलिडेड द पुलिस फॉर 10 ईयर्स। वह जो है पुलिस से 10 सालों के लिए बच गया। इसी की तरफ आपका जो दूसरा एल्यूड है, उसका मतलब होता है उल्लेख, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टू स्पीक ऑफ और मेंशन। आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम समझें। तो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, आई एम इंटरेस्टेड इन हियरिंग मोर अबाउट द टेक्नोलॉजी यू एलिडेड टू अ मिनट एगो। मतलब कि मैं जो है इंटरेस्टेड हूँ सुनने में ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में, ज़्यादा जो कि तुमने अभी उल्लेख किया एक मिनट पहले, उसको मैं सुनने में इंटरेस्टेड हूँ। तो आप समझ गए होंगे इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका 48 दिया हुआ है एडिशन, एक है editon, दूसरा है addition। जो आपका ये एडिशन है, इसका मतलब होता है संपादन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडिटिंग।
आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझें। तो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, द फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1998। जो इसका पहला संपादन हुआ था वो पब्लिश हुआ था कब, 1998 में। तो इसी में का जो आपका दूसरा एडिशन है, इसका मतलब होता है योग, एडिंग समथिंग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझें। तो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, एडिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर टू मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर टू मैथमेटिकल ऑपरेशन। मतलब कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो आपका दो गणितीय संचालन है। ऑपरेशन मतलब होता है दोस्तों संचालन। तो आशा है कि आप इन दोनों के बीच का अंतर समझ गए होंगे। भाई आगे बढ़ते हैं। तो आपका 49 दिया हुआ है अर्न, एक है ई ए आर एन, दूसरा है यू आर एन। तो जो ये आपका ई ए आर एन है उसका मतलब होता है कमाना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेक मनी। तो आइए इसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझें। तो दिया हुआ है, आई नीड टू अर्न इनफ मनी टू पे माई रेंट। मतलब कि मुझे ज़रूरत है कमाने की पर्याप्त पैसे मुझे पे करने के लिए अपने किराए को, इसलिए। तो इसी की तरफ जो आपका दूसरा अर्न है यू आर एन, इसका मतलब होता है कलश, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आजार। आइए इसे भी एक सेंटेंस के माध्यम समझें। तो दिया हुआ है आपका, शी इज़ होल्डिंग अ टी अर्न। मतलब कि वह थामी हुई है एक चाय का जार या क्लश। तो समझ गए होंगे आप इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो आपका एक और बचा हुआ है आखिरी, दिया हुआ ईव, ई डब्ल्यू ई, और इसी तरफ दूसरा आपका यू। तो जो आपका ई डब्ल्यू ई ईव है, इसका मतलब होता है भेड़ होता है हिंदी में, इसे इंग्लिश में कहते हैं फीमेल सीप, एक फीमेल भेड़ को कहते हैं ईव, ई डब्ल्यू ई। तो इसे भी आइए एक सेंटेंस के माध्यम समझें। तो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, अ ईव इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो एक फीमेल सीप है वो चर रही थी मैदान में। इसी तरफ जो आपका यू है दूसरा, इसको हम कहते हैं द सेकेंड पर्सन, इस सेकेंड पर्सन को कहते हैं यू। आइए इसे भी एक सेंटेंस के माध्यम समझें। तो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो आपकी जो वीडियो है यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।